नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। लड़की के भाई, यहाँ आपके घर क्या हो रहा है? आपके घर क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या क्या बोला है? ये बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी बात, माँ बात करना चाहती है मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या, कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों ओर से, छत पे, गांव में, गली में। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? हमको डरा भी धमका भी रहे? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले किसी को बुलानी है। सबके साथ फोन ले लिया क्या? तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ, नहीं कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में आए हैं। छुपके निहार के वाने से। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा, उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? ताऊ को मारा। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हुए थे। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए थे ना। तो कमरे में बंद भी किया था दो बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक है बेटे, आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।